अगर सच होता तो इतनी चिट्ठीबाजी नहीं होती। और चिट्ठी शाहनवाज जी किसी कार्यकर्ता ने तो नहीं लिखी है, लिखी होगी तो आपको पता होगा, चिट्ठी लिखी है जसवंत सिंह ने, यशवंत सिन्हा ने, अरुण शौरी ने, तीनों बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के। देखिए जसवंत सिंह जी हमारे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, कोर ग्रुप में बैठते हैं, कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है जिसमें माननीय जसवंत सिंह जी नहीं बैठते। पार्टी के अंदर जब हमारी सरकार थी तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। यशवंत सिन्हा भी हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर रहे। अरुण शौरी जी भी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, वो कैबिनेट मंत्री हमारी सरकार में रहे। इसलिए इन लोगों ने जो बातें कही हैं उस पर पार्टी गौर करेगी, और गौर कौन करेगा, गौर तो यही लोग करेंगे। ये लोग पार्टी के कोई आम कार्यकर्ता हमें मैसेज भेजे, चिट्ठी भेजे तो बात है, डिसीजन मेकिंग बॉडी में तो यही लोग हैं। शाहनवाज जी, बीजेपी में कई गुट हुआ करते थे एक समय में, वाजपेयी गुट, आडवाणी गुट, जोशी गुट, अब गुटों के भीतर गुट, गुट निरपेक्ष नेता कोई कभी नहीं रहा, आप किस गुट में रहे हैं? मैं कमल गुट में हूं, कमल का फूल का एक क्लब है हमारा, कमल क्लब, उस गुट का मैं मेंबर हूं, जिसमें दिन रात हम लोग कमल का फूल कैसे खिले, हमारा झंडा कैसे ऊंचा हो, इसमें काम करने वाले जो चंद कार्यकर्ता हैं हमारे, हजारों लाखों मेंबरशिप बहुत है, हम उसी कमल गुट के मेंबर हैं। लेकिन फिर एक सवाल, पार्टी के भीतर उस कमल गुट के भीतर भी कई कमल गुट हैं, जैसे एक राजनाथ सिंह का गुट है, एक अरुण जेटली का गुट है, एक सुषमा स्वराज का गुट है, इन सब गुटों के बीच में एक आडवाणी जी का बड़ा गुट है जिसमें कई गुटों के छोटे बड़े नेता उसमें शामिल हैं, इन गुटों में शाहनवाज हुसैन कहां हैं? देखिए कमल में कई पंखड़ियां होती हैं और उस पंखड़ियों में आप मुझे भी तलाश सकते हैं। अच्छा शाहनवाज जी, आपका करियर बहुत लंबा नहीं है, कई साल आपने राजनीति में जरूर किए लेकिन आपसे बहुत सारे तमाम लोग सीनियर हैं, आप पहली बार 99 में लोकसभा सदस्य बने और उसके बाद आप उसी सरकार में 5 साल में राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री बने, तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी में आपको बहुत कुछ मिला और बहुत जल्दी मिला? जी, मुझे घर से बुलाकर राज्यसभा कभी पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन मुझे पार्टी ने टिकट दिया और कहा कि जाओ किशनगंज, जहां आजादी के बाद आज तक कमल नहीं खिला है, और जाके पहाड़ पे कमल खिलाकर दिखाओ। तो हमने किशनगंज में कमल खिलाया, फिर पार्टी ने मुझे थोड़ा फर्टाइल लैंड में, जरखेज भूमि में, भागलपुर भेजा और वहां भी मैंने लगातार 2 बार कमल खिलाया, तो मैं जीत के आया हूं और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं की तरह हूं। लेकिन हमारे उम्र में अगर रविशंकर प्रसाद जी को, राजीव प्रताप रूडी को कुछ मिलता है जो हमारे मित्र हैं, तो उनसे कोई ये सवाल नहीं पूछता, मेरे से सवाल लोग पूछते हैं, क्योंकि इस देश में अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति को कुछ मिल जाए तो उसका टैलेंट नजर नहीं आता, उसका जीतना नजर नहीं आता। तो पहले डिफेंसिव सवाल, इसलिए हमने कह दिया कि आपने कहा कि बहुत कम में मिल गया, लगातार 3 बार मैं लोकसभा जीत कर आया हूं। लेकिन पहली बार जीतने के बाद ही आप 5 साल के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बने? अरे बिना जीते भी लोगों को मंत्रालय मिला, उनसे पूछे जाके, हम तो जीत कर आए तो मंत्रालय मिला। और वाजपेयी जी से ये सवाल आपको पूछना होगा कि उन्होंने मुझे अपना मंत्री क्यों चुना, तो ये तो सवाल वाजपेयी जी का है कि एक नौजवान पर उन्होंने भरोसा क्यों किया। आज तो मनमोहन सिंह ने किसी 32 साल के नौजवान को वहां तो देखा कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। सलमान खुर्शीद इतने पुराने नेता हैं और अभी राज्य मंत्री हैं। सलमान खुर्शीद पुराने नेता हैं लेकिन बहुत साल बाद जीत कर वो आए हैं, तो उनको स्वतंत्र प्रभार बनाया, पहले राज्य मंत्री थे, इस बार कांग्रेस ने उनको बीजेपी में भी लोग कहते हैं बहुत सारे नेता, लक्ष्मी नारायण पांडे जैसे जो 9 बार सांसद चुने गए मंत्री नहीं बन पाया, लेकिन शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने मौका दिया तो युवा के नाते दिया, इसमें किसी को क्या एतराज होगा जब। लेकिन लगता नहीं कि पार्टी को एक मुस्लिम फेस चाहिए था, जो किसी जमाने में सिकंदर वक्त और आरिफ बेग हुआ करते थे, वो मुस्लिम फेस शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी है, और इसका फायदा शाहनवाज हुसैन को मिला है? मैंने आपसे इसका सवाल का, मैं जानता था जो आपके सवाल के पीछे जो राज छुपा था, इसलिए मैं इसका जवाब दे चुका हूं। इस देश में मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई मुस्लिम समाज का मंत्री बनता है तो उसके ऊपर उंगली क्यों उठनी चाहिए? बीजेपी का बेड़ा गर्क इस चुनाव में शाहनवाज जी क्यों हुआ आपके हिसाब से? बेड़ा गर्क नहीं हुआ है, 116 सीट जीतने वाली
पार्टी को आप कह देंगे बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क लोकतंत्र में सोचा गया कि सरकार बनेगी 50 सीट अल्टीमेटली जो आप कह रहे हैं इसका मतलब 50 सीट कम मिली ना अनुमान से 165 66 60 से ऊपर तो 50 सीट कम मिली बीजेपी को। मैंने कहा ना कि कुछ कहीं न कहीं कमी रही होगी या हमारी खूबी दिखी होगी जनता को कि नहीं ये विपक्ष में बढ़िया ठीक ठाक काम करते हैं तो हमें विपक्ष में बैठा है। जनता ही जनार्दन है। अगर जनता ने यही खूबी बार बार 2014 और 2019 में भी देख लिया तब शाहनवाज जी क्या होगा। नहीं 2000 उन्होंने 99 में 98 में हमें बहुमत दिया, इस बार जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष भी होता है विपक्ष होता है, तो हमें एक भूमिका जनता ने दी और विपक्ष के की पार्टी हम ही है। हम और जितनी पार्टियां हैं चाहे कितनी बातें आपके सामने करें, आप अपने चैनल पर उनको कितना स्पेस दे दें कितना उनको फुटेज दे दें, लेकिन हमारी कांग्रेस के बाद आज भी बीजेपी के आसपास भी कोई पार्टी नहीं। जी जहां तक चैनल पर फुटेज देने की बात है और मीडिया में दिखाने की बात है, यूं ही आपकी पार्टी के नेता चिट्ठी लिखते रहे, बयान देते रहे, एक दूसरे के बारे में छीछा लेदर करते रहे, तो काफी फुटेज चैनल पर मिलता रहेगा। हम कहते हैं कि आप हमारी अच्छाई भी बताइए, सिर्फ हमारी कमियां तलाशी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, अब चुनाव हारने के कारणों को हम तलाशेंगे क्योंकि हम लोग हारे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी तलाश रहे हैं। इस चुनाव के दौरान ही एक बार अचानक नरेंद्र मोदी का नाम उछाल दिया गया 2014 के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में, अरुण शौरी की तरफ से या अरुण जेटली की तरफ से या जहां से भी आया। अगर नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो शाहनवाज हुसैन का रोल क्या होगा? क्या उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मानकर कंधे से कंधा मिलाएंगे? कौन उम्मीदवार होगा किसको बता सकते हैं? अब 2014 में कौन होगा, 2020 में कौन होगा? अब 2020 की हम लोग तो 2020 तक भी अगर ऊपर वाले ने चाहा और हयात दी तो 2020 में भी पीएम कौन होगा इसके बारे में भी तय करेंगे। तो आप पूछे 2025 में कौन होगा? नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे तो आप उनके साथ होंगे या नहीं, या आपको आपकी निजी राय उनके बारे में? देखिए नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, हम लोग एक दल में काम करते हैं। अब ये कहें कि कौन होगा ये मैं तय करूंगा, ये तो वक्त बताएगा कि 2014 में कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। शाहनवाज जी शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन चर्चा में हैं अपने उन बयानों के कारण जो उन्होंने पार्टी फोरम से दिया है, जो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो मुद्दे उठाए, इन वजहों से शाहनवाज हुसैन चर्चा में हैं। शाहनवाज हुसैन से हमने बात की तमाम उन मुद्दों पर जो बीजेपी को आज की तारीख में परेशान कर रहे हैं।